ये देखिए, लग रही है ना एकदम ढाबे वाली सब्जी। आज हम बनाते हैं दम अरबी एकदम ढाबे वाली ग्रेवी के साथ, बहुत ही चटपटी और मसालेदार। अरबी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और हर बार एक ही तरह की सब्जी खाते खाते सभी बोर हो जाते हैं, तो सोचा क्यों ना आज ढाबे वाला टेस्ट घर में ही लाया जाए। तो जल्दी से जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिलीशियस बाय गरिमा में। आप एक बार इसे बनाकर देखिए, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो अरबी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर कुकर में दो विसल के लिए प्रेशर कुक कर लिया है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की अरबी का यूज़ किया है, आप चाहें तो छोटे साइज़ की अरबी भी ले सकते हैं। अब इन सभी अरबी को छीलकर एक बाउल में रख लीजिए। आप देखिए, अरबी ना हमारी बहुत ज़्यादा उबली हुई है ना ही बहुत कम, इसे दो विसल के लिए ही प्रेशर कुक करें। सभी अरबी को छीलकर एक बाउल में रख लीजिए। अब हमें इसमें फोक की सहायता से छेद करना है, ताकि हम जब अरबी को ग्रेवी में डालेंगे तो सारी ग्रेवी अरबी के अंदर तक चली जाए और हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो। अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारा मसाला अरबी पर अच्छी तरह से कोट हो चुका है, अब इसे साइड रख देते हैं और तब तक के लिए हम अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टुकड़ा काजू लिया है, यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून काजू लिया है, जिसे मैंने पानी में सोख कर साइड में पहले ही रख दिया है। अब एक कढ़ाई गर्म करें, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। अब इसमें हमने जो अरबी मसाला लगाकर रखी हुई हैं, वो सभी अरबी इसमें डालकर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सभी तरफ से फ्राई कर लें। सभी अरबी को पलट पलट कर सभी तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस पूरे प्रोसेस में फ्लेम को मीडियम पे ही रखिएगा, ताकि अरबी अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। अरबी को पलटते रहिए और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दीजिए। अरबी बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब इन सभी अरबी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इस पे अरबी पर। अब इसे साइड रख लीजिए। चलिए अब तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई गर्म करें, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून जीरा। जब जीरा तड़कने लगे तो इसमें ऐड करें, मैंने यहाँ पर कुछ खड़ा मसाला लिया है, दालचीनी, बड़ी इलायची, चक्रफूल और तेजपत्ता, ये सभी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक और 3 से 4 कली लहसुन का यूज़ किया है, साथ ही यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर यूज़ किया है। इन सभी चीज़ों को 1 मिनट तक के लिए भून लें। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसा है, उसका पेस्ट नहीं बनाया है। हमें यहाँ पर जो प्याज यूज़ करनी है वो कोर्सली ग्राइंड, थोड़ा सा खड़ा खड़ा प्याज रहेगा तो हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। प्याज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसे मीडियम आँच पर धीरे धीरे चलाते रहें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी मसालों को 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं, सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएं। 30 सेकंड के लिए इसे और चलाइए। आप देखिए कि मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं,
जिसे मैंने मिक्सिंग जार में डालकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काटकर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को ढक दीजिए और 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पर भुनने दीजिए। बीच बीच में चलाते रहें। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए कि हमारा तड़का भुनकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। अब हमने जो काजू भिगोकर रखे थे, मैंने उसे मिक्सिंग जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। काजू का पेस्ट हम इस मिक्सचर में ऐड कर देते हैं और इसे 1 मिनट तक के लिए भुनने दीजिए। काजू का पेस्ट ऐड करने से हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही लिया है, वो दही भी हम इस मिक्सचर में ऐड कर देते हैं। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और एकदम ढाबे वाला फ्लेवर इसमें आ जाएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक के लिए इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए। सभी मसालों ने तेल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर दीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून गरम मसाला और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी ऐड करें। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। एक बार इसे मिक्स कर देख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने अरबी फ्राई करके रखी हुई है, वो सारी अरबी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद खोलकर देखिए, सारा तेल ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की थिक ग्रेवी बनकर तैयार है। आप देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी और एकदम ढाबा स्टाइल अरबी बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालें और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे गर्मा गर्म लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी या फिर तवा रोटी के संग सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ का, सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली रेसिपी में नए स्वाद के साथ। टेक केयर। बाय बाय।